नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे जो जीएसटी में ब्याज लग रहा है टैक्स पर, वो उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया मद्रास हाई कोर्ट का रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड शरीशा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली इसका फेट क्या हुआ। लेकिन उससे पहले उन्होंने, मैं आपको तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में क्लेरिफाई किए। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई जो इंटरेस्ट है जो वो ग्रॉस पर लगना चाहिए, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हमें नहीं मिलता। टैक्स तो तभी मिलता है जब इनपुट एडजस्ट होता है। तो उसमें, उस केस में, उसके जवाब में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास ऑलरेडी है और उसका कोई और यूटिलाइजेशन नहीं है, और उन्हें नहीं लगता कि आप कहीं भी डिप्राइव्ड हैं अपने टैक्स से या टैक्स डिलेड है। तो इसलिए आपका जो ये आर्गुमेंट है वो सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास है वो सब्जेक्ट टू रिवर्सल हो सकता है अगर कभी कंडीशंस पूरी ना हो तो उसकी। तो उस केस में भी मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली एक जज स्टेटमेंट लिखा है पैरा नंबर 13 में। उन्होंने कहा कि ये हर केस में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ उस केस में नहीं जहां पर ब्याज लग रहा है किसी डिलेड फाइलिंग के ऊपर। क्रेडिट विल बी वैलिड टिल सच टाइम इट इज इनवैलिडेटेड। क्रेडिट विल बी वैलिड टिल सच टाइम इट इज इनवैलिडेटेड बाय रिकोर्स टू द मैकेनिज्म्स प्रोवाइडेड अंडर द स्टैट्यू एंड रूल्स। तो क्रेडिट तो कभी भी, क्रेडिट तो तब तक ही वैलिड है जब तक कि लॉ उसको इनवैलिडेट नहीं करता। तो क्रेडिट आप एक बारी क्लेम कर लेता है, कोई अवेल कर लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट रीचेस टू इट्स फाइनलिटी। क्रेडिट कैन ऑलवेज बी इनवैलिडेटेड बाय द रिकोर्स टू द लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड। तो इस बात का भी उन्होंने कहा कि भाई बात समझ नहीं आती है। फिर तीसरा एक कंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, और उन्होंने, डिपार्टमेंट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेगा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के केस में एक जजमेंट पास किया है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के केस में, और उसमें उन्होंने टैक्स जो है, इंटरेस्ट जो है वो ग्रॉस पर लगाने की बात कही है ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने। तो इस बात को भी डिस्टिंग्विश करते हुए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब ये जजमेंट डिवीजन बेंच ने ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट की दिया, उस समय ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी वो सिर्फ प्रेस रिलीज पर थी, और उन्होंने लिखा, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने लिखा कि अनफॉर्चुनेटली द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर स्टिल ऑन पेपर, देयरफॉर वी कैन नॉट इंटरप्रेट सेक्शन 15 इन द लाइट ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। उसके बाद उन्होंने, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने लिखा, टुडे हाउएवर द अमेंडमेंट स्टैंड्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टैट्यू एंड कम्स टू द एड ऑफ द असेसी। इसका मतलब जो आज जो प्रेजेंट लॉ है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो सही था उस समय के कानून को ध्यान में रखते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए, लेकिन आज जो कानून है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो दैट प्रोविजो टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कम्स टू द हेल्प ऑफ द एसएससी, एंड देयरफॉर उन्होंने एक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा, इट शुड दस इन माई व्यू बी रेड एज क्लेरिफिकेटरी एंड ऑपरेटिव रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये क्लेरिफिकेटरी होना चाहिए जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो आया, जिस पे सरकार ने खुद कहा कि टैक्स अगर इंटरेस्ट जो है अगर नेट टैक्स पे लिया जाएगा जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो ये क्लेरिफिकेटरी है। क्लेरिफिकेटरी है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। इट शैल बी अज्यूम्ड दैट दिस प्रोविजन इज देयर इन द लॉ सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लॉ। माय डियर फ्रेंड्स, ऐतिहासिक जजमेंट है, ऐतिहासिक फैसला है, बहुत दूर तक जाएगा इस जजमेंट का जो जो इफेक्ट है। मैं ये कहूंगा कि मुझे अपने देश की जुडिशियल विजडम पर, जो हमारी जुडिशरी है उनकी विजडम पर पूरा भरोसा है। सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट ही नहीं, पूरे भारत में अब ये सिचुएशन क्लेरिफाई होगी। हालांकि इस मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो सिर्फ मद्रास में है, उसी पर्टिकुलर स्टेट में है, लेकिन परसुएसिव वैल्यू इस पूरे जजमेंट की है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।